नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रकाश सिंह। देखिए, बात करेंगे कि बिहार की सियासत में क्या एक बार फिर से बड़ा खेला होने जा रहा है। क्या इशारों ही इशारों में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच बातें बन गई है? बिहार में विधानसभा के चुनाव से पहले क्या बिहार में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल सकता है? आज इसी पर चर्चा करेंगे और बात करेंगे। जब बिहार की सियासत की, तो जाहिर सी बात है बिहार के सियासत से जुड़ी बड़ी खबरों की भी बात करनी ही होगी। मैं बात बिहार की कर रहा हूं, नीतीश कुमार की कर रहा हूं, तेजस्वी यादव की कर रहा हूं। तो आपको यह भी बताना चाहूंगा कि बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है और सदन के अंदर जो कार्यवाही चल रही है, उस कार्यवाही के दौरान सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। सदन की कार्यवाही कल सुबह के 11 बजे तक के लिए स्थगित की कर दी गई है। विधानसभा और विधान परिषद के अंदर जब सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, तो बिहार के ज्वलंत मुद्दे उठ रहे हैं। और बिहार में 28 नवंबर की तारीख में राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सभी जगह पूरे राज्य भर में जो है वो एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करने जा रही है, और ये धरना प्रदर्शन जो है वो आरक्षण को लेकर करने जा रही है। खैर, हम बात अब बिहार के सियासत को लेकर करने जा रहे थे। इस खबर को आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि बिहार की सियासत की खबर जब तक टुडे बिहार न्यूज पर हम दिखा रहे थे उलटफेर की, दर्शक कंफर्म हो लेते हैं यहां से, तो चलिए अब बता देते हैं विस्तार से क्या कुछ चल रहा है नीतीश कुमार के दिमाग में, क्या कुछ चल रहा है तेजस्वी यादव के दिमाग में। नीतीश कुमार बिहार में पिछले एक दो सालों से अपने इशारों को लेकर ज्यादा चर्चित हैं, चर्चा में, सुर्खियों में। कभी नीतीश कुमार के चेहरे का रंग देखने लायक रहता है, कभी नीतीश कुमार कुछ और कह देते हैं, और इशारों ही इशारों में अगर कुछ शब्दों को समझें तो आओ इसका मतलब होता है इधर आओ, इसका मतलब होता है क्या कहना चाह रहे हो, इसका मतलब होता है क्या कहां हो, तो तमाम बातें इशारों ही इशारों में होती है। नेताओं के बीच भी होती है, आपके और हमारे बीच भी होती है। खैर, हम बात सियासत की कर रहे हैं। देखिए, बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है और सदन के नेता के रूप में नीतीश कुमार भी प्रत्येक दिन सदन के अंदर जाते हैं, सदन में बैठे दिखते हैं। दूसरी ओर तेजस्वी यादव भी नेता प्रतिपक्ष के भूमिका को निभाते हुए सदन के अंदर नजर आते हैं। लेकिन इस बीच एक तस्वीर सामने आ गई है। कैसी तस्वीर भाई? ऐसी तस्वीर जिस तस्वीर ने बिहार की सियासी हलक में बयानों पर आप कह सकते हैं कि जोर देना शुरू कर दिया है। ऐसी तस्वीर जिसने अटकलों के बाजार गर्म कर दिए, जिससे बिहार में अब संभावनाएं तलाशी जाने लगी है। तस्वीर है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की। देखिए, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच राजनीतिक रिश्ते भले ही नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष की हो, लेकिन अगर व्यक्तिगत रिश्ता कहें तो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के चाचा हैं, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के भतीजे हैं, और चाचा भतीजे के बीच की जो रिश्ता है, यह रिश्ता बिहार की सियासत में जब भी एक साथ आई है, यकीनन ज्यादा दिनों तक तो नहीं चली, लेकिन जितने दिनों तक चली है सुर्खियों में रही है। नीतीश कुमार आज विधानसभा के अंदर बैठे थे और सामने की टेबल पर जब तेजस्वी यादव बैठे थे, अचानक से नीतीश कुमार इशारों ही इशारों में तेजस्वी यादव से बात करने लगते। जी हां, खुलकर माइक पर नहीं बोल रहे हैं कि अरे तेजस्वी ये क्या कर रहे हो, ये इस तरीके की बातें, तमाम मुद्दे नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को इशारों ही इशारों में कुछ समझा रहे थे, कुछ कह भी रहे थे, और तेजस्वी यादव भी इशारों ही इशारों में जवाब दे रहे थे। सदन के अंदर नीतीश कुमार की तारीफ तेजस्वी यादव मौका देखकर जरूर कर देते। नीतीश कुमार सबसे ज्यादा बार के मुख्यमंत्री हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है किसी को। लेकिन आज देखिए, नीतीश कुमार ने जब इशारों ही इशारों में बातचीत की है, जब इस तरीके के शब्द, जब इस तरीके के शब्द, जब इस तरीके का इशारा, ये तमाम इशारा जब नीतीश कुमार ने सदन के अंदर बैठकर किया है तेजस्वी यादव की ओर, और तेजस्वी यादव की ओर से भी
हंसते हुए मुस्कुराते हुए प्रतिक्रियाएं आ गई, इशारों ही इशारों में। किसी ने समझा भी नहीं कि भाई विधानसभा के अंदर चल क्या रहा है। अरे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से इशारों ही इशारों में कौन सा डील फाइनल कर लिए भाई। चर्चा का बाजार तब गर्म हुआ जब बिहार की जनता ने देखा कि अरे भाई ये जो वीडियो आया है सामने विधानसभा के अंदर से, जो कार्यवाही का प्रोसीडिंग का वीडियो है, उसमें नीतीश कुमार तो इशारा में बात कर रहे हैं। और नीतीश कुमार इशारों में बात करने के बाद कहीं आने वाले वक्त में इशारे ही इशारों में चुटकी बजाकर सरकार बदल दे तो कौन सा खेला समझेगी बिहार की जनता। खैर, अब जवाब तेजस्वी यादव से पूछे गए। जब सदन से बाहर तेजस्वी यादव निकले, पत्रकारों ने सवाल पूछा तो पत्रकारों को जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने कह दिया कि बहुत सारी बातें इशारों ही इशारों में हो जाती है। मतलब कि तेजस्वी यादव ने संकेत दे दिया कि इशारों ही इशारों में कुछ जरूरी बातें हो गई है, और ये इशारा नीतीश कुमार का जो है वो तेजस्वी यादव ही समझते हैं, तेजस्वी यादव का इशारा नीतीश कुमार ही समझते हैं। और यही वजह है कि जब भी सरकार बननी बिगड़नी होती है तो नीतीश कुमार अपने इशारों में इधर उधर ऐसे कैसे ये सब करके खेल समझा देते हैं। लेकिन इसका बिहार के सियासत पर आने वाले वक्त में कितना असर पड़ेगा यह समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर नीतीश कुमार इशारों ही इशारों में बातचीत कर रहे हैं तो क्या आने वाले वक्त में इशारों ही इशारों में यह सरकार भी बदल जाएगी, नीतीश कुमार एनडीए से अलग होकर फिर से जो है वो महागठबंधन के साथ चले जाएंगे। देखिए, ऐसी संभावनाएं बिहार में अगर देखें तो बयानों के अंदाज से करें तो तलाशी जरूर जा सकती है। और नीतीश कुमार को लेकर कोई यकीनन ये दावा करके नहीं कह सकता कि नीतीश कुमार जो है वो लॉन्ग टाइम बीजेपी के साथ अब रहने वाले हैं। तेजस्वी यादव के साथ जो इशारों इशारों बात हुई, आने वाले वक्त में कोई बड़ा सियासी संकेत ना हो जाइए, इस पर कोई भी दावा करके ये नहीं कह सकता। लेकिन इतना वर्तमान में जरूर है कि नीतीश कुमार फिलहाल कोई पाला नहीं बदल रहे, कोई गेम नहीं सेट कर रहे हैं, और नीतीश कुमार वर्तमान समय में एनडीए के ही साथ है। लेकिन एक गंभीर मुद्दा यह है कि नीतीश कुमार के एक करीबी नेता जो मोदी की सरकार में मंत्री हैं, नाम है राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, उन्होंने वक्फ बोर्ड के बीच जो बयानबाजी हो रही है इस पर यह कह दिया मुजफ्फरपुर में कि मुसलमान जो है वो जेडीयू को वोट नहीं करते, नीतीश कुमार की पार्टी है जेडीयू, और ललन सिंह जेडीयू के पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, ललन सिंह के बाद ही नीतीश कुमार ने फिर से कमान संभाली है। अब ललन सिंह के इस बयान पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब नीतीश कुमार अपनी पार्टी को सहेजेंगे कैसे। नीतीश कुमार की पार्टी तो ए टू जेड की पार्टी कही जाती है, और बिहार में ए टू जेड समीकरण पर नीतीश कुमार चलते भी हैं। एक सच्चाई भी यह है कि भले नीतीश एनडीए के साथ रहे हो, लेकिन मुसलमानों का वोट नीतीश कुमार की पार्टी को मिलता है, वो वोट बीजेपी को नहीं मिलता, लेकिन वो वोट जो है वो अगर एनडीए में नीतीश कुमार है तो नीतीश कुमार को मिलता है। तो राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह ने अगर इस तरीके के बयान दे दिए हैं तो जाहिर सी बात है आज के वक्त में जो है वो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में बड़ा सफाई पेश करना होगा कि भाई जेडीयू से मुसलमान जो है वो नाराज ना हो, टूटे नहीं, एनडीए के अंदर भी ऐसे ही बवाल मचा हुआ है। खैर, तेजस्वी यादव ने आगे नीतीश कुमार को एक खुला ऑफर दिया है अपने बयान में। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आरक्षण का जो मुद्दा है, सदन के अंदर जब कल आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा हुई तो बिहार में महागठबंधन की सरकार रहते जो है वो आरक्षण के दायरे को बढ़ाकर 65% तक किया गया था, और ईडब्ल्यूएस को जोड़ दी जाए तो 75% तक। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई अब नीतीश कुमार ये चाहते हैं तो ये वक्त है संविधान को बचाने का, और नीतीश कुमार को आगे आना चाहिए। वक्फ बोर्ड जैसे कानून पर अगर संशोधन हो रहे हैं तो उसमें भी नीतीश कुमार को खुलेआम सामने आकर अपना स्टेटमेंट देना चाहिए, और देश की संविधान अखंडता और प्रभुता को बचानी है तो नीतीश कुमार को फैसला लेना चाहिए। मतलब यह कि तेजस्वी यादव इशारों ही इशारों में अब अपने बयानों के माध्यम से, वो हाथों के इशारों से नहीं, वो अपने आंखों के इशारों से नहीं, अपने बयानों के इशारों से नीतीश कुमार को यह कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी समय अभी भी है, सरकार जो 2024 में बनी है केंद्र की, ये सरकार 2029 तक चलनी है, बिहार में जो सरकार 2025 में बनेगी
उस सरकार को 2030 तक चलनी है, और आपके पास मौका है, अगर संविधान के आप रक्षक हैं, अगर आप आरक्षण के समर्थक हैं, और अगर आप जातिवादी नहीं है, अगर आप धर्मवादी नहीं है, तो आपके पास अभी भी मौका है। छोड़िए मोदी जी को, उनकी सरकार को गिराइए और आप हमारे साथ आइए। 43 विधायक वाले नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो तेजस्वी यादव का यह इशारा कह रहा है कि अगर आप आ गए तो 12 सांसद वाला इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा और उसका इतिहास पूरा देश देखेगा। लेकिन वर्तमान समय में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि नीतीश ना इधर आ रहे हैं, ना तेजस्वी कोई फाइनल इशारा करके ये कह रहे हैं कि भाई आप आ ही जाइए, ना ही तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार की बातें जो है इतनी हो गई है कि वो आ जाएंगे। खैर, मुलाकात होनी है, बहुत जल्द होनी है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात, और उस मुलाकात की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़े जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।